आप देख रहे हैं दमोह जिले की खबरें और यह है एशियन न्यूज। ओल्ड पेंशन स्कीम को पुनः लागू करने के लिए, ओल्ड पेंशन स्कीम है पुनः बहाली के लिए विभिन्न विभागों के कर्मचारियों के द्वारा एक रैली निकाली गई। जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय में यह रैली निकाली गई और रैली निकालने के साथ अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपने आए लोगों का कहना था कि पूरे देश में एक साथ विभिन्न संगठनों के माध्यम से यह ज्ञापन दिया जा रहा है और ओल्ड पेंशन की मांग की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट एशियन न्यूज। OPS!
जरूरी है। ओपीएस पछताएगा, काम से टकराएगा, पांच साल पछताएगा। वोट फॉर ओपीएस, वोट फॉर ओपीएस, वोट फॉर ओपीएस। मत प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। मत प्रशासन होश में आओ, होश में आओ। मत प्रशासन होश में आओ, होश में। सबसे पहले तो आप सभी मीडिया वालों का धन्यवाद कि आप सभी हम सभी का साथ दे रहे हैं, हमारी आवाज़ इस देश की जनता तक और सरकार तक पहुंचा रहे हैं। और जो आज ये कार्यक्रम हो रहा है पुरानी पेंशन वाला, ये हम किसी से भीख नहीं मांग रहे, ये हम सबका अधिकार है। जैसा कि अभी शिक्षक सम्मान पे 20 उत्कृष्ट महिलाओं का सम्मान हुआ, तो हम ये चाहते हैं कि हमारा सम्मान जीवन भर बना रहे, हमें कभी किसी से या अपने परिवार वाले, अपने बच्चों से, किसी से भी बड़ा भी, मैं किसी का सहारा ना लेना पड़े। हम अपना अधिकार मांग रहे हैं और सरकार से यही अपेक्षा है, सरकार की आभारी रहूंगी कि सरकार हम सभी को हमारा भविष्य सुनिश्चित करे, हमें पेंशन दे। धन्यवाद। ये एक तूफान का आगाज है जो पूरे देश के 797 जिलों में आज पुरानी पेंशन लागू करने के लिए जो प्रारंभ हुआ है, और ये आगाज आगामी विधानसभा और लोकसभा चुनाव तक जाएगा। हमारी मांग है कि जिस प्रकार से पुरानी पेंशन का लाभ कई प्रदेशों में लागू किया जा चुका है, 5 प्रदेशों में, हमारी मांग मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से यही है कि आप भी अपने विधानसभा चुनाव के पूर्व, हम सारे कर्मचारियों को 5 लाख एनपीएस धारी कर्मचारी हैं, इन 5 लाख एनपीएस धारी कर्मचारियों में से 3 लाख कर्मचारी अध्यापक संवर्ग के कर्मचारी हैं, और इनकी बहुचर्चित मांग है कि हम लोगों को नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठता प्रदान करते हुए और पुरानी पेंशन लागू की जाए। चूँकि इस व्यवस्था में जो नेता लोग हैं उनको ये सरकार एक जनप्रतिनिधि को 3-3, 4-4 और 5-5 पेंशन तक दे रही है, लेकिन हम कर्मचारियों को पेंशन नहीं दे रही है। हमारी जो मातृशक्ति बहन है और जो हमारे शिक्षक भाई अभी सेवानिवृत्त हुए हैं, उनको 500, 800 और 1200 रुपये तक पेंशन मिल रही है। एक 50 से 60 हज़ार रुपये वेतन पाने वाला कर्मचारी जब सेवानिवृत्ति 500-800 रुपये पाता है तो वह अपने परिवार का कैसे गुजारा कर पाएगा। इन तथ्यों को हमने शासन के समक्ष रखा है और हमने शासन के समक्ष रखते हुए इस बात को भी कहा है कि हम वोट फॉर ओपीएस का मिशन चलाएंगे। जो हमारी पेंशन की बात करेगा वही प्रदेश और देश में राज करेगा। ये आवाज़ है, ये इंकलाब है, और ये क्रांति आज जो शुरू हुई है ये आने वाले समय में और उत्तर दिल्ली तक पहुँचेगी। आपके माध्यम से हम मध्य प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री और भारत देश के प्रधानमंत्री से आग्रह करते हैं कि हम कर्मचारियों को भी पुरानी पेंशन लागू की जाए।